ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की ताकत की जरूरत होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य को सही नियमों और सही मेथड से करते हैं तो आपको सिर्फ 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मचर्य का फायदा मिलना शुरू हो सकता है। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य की सही और पूरी समझ इंसान को आखिर मोक्ष तक ले जाती है। ब्रह्मचर्य ये एक ऐसा शब्द है जो भारत में बहुत कॉमन है। जब तक मैंने इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा था, मुझे शायद ऐसा बहुत कुछ पता था जो सच नहीं था। जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सीमेन रिटेंशन है। जो ऋषि मुनि बनना चाहता है उसी को ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं तो सन्यासी बन जाओ या ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। बच्चे ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते, शादीशुदा लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते, लड़कियां भी ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। और जब से इन्हें मैं जाना तब से मैं अपने काम के साथ साथ बेहतर जिंदगी की ओर निकल पड़ा हूँ और जिंदगी के हर एरिया में बड़े बदलाव देख पा रहा हूँ। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। जैसे कि हमने सुना है, भगवान श्री हनुमान जी, आदि शंकराचार्य जी और भी बहुत से लोगों ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इनसे ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपनी ऊर्जा को खराब करने की बजाय एक सही जगह लगाने से है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है, जिसका सीधा मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए जीवन बिताना होता है। ब्रह्मचर्य योग के फाउंडेशन पिलर में से एक है। ब्रह्मचर्य का मतलब एक सादा जीवन जीना, अच्छे विचारों के जरिए अपने सीमेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब गलत जगह पर व्यर्थ ना करना, भगवान का ध्यान करना और ज्यादा से ज्यादा सीखना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को आने वाले जीवन के लिए ज्ञान हासिल करना होता है। ब्रह्मचर्य से अद्भुत ज्ञान पाया जा सकता है। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि वैदिक पीरियड से लेकर आज के समय के संतों ने भी इसे अपनाने के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी श्वास लेना होता है। आज से पहले हजारों सालों से हमारे संत ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से हम इस दुनिया की सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य शरीर के तीन पिलर में से सबसे मेन पिलर है। आयुर्वेद में शरीर के तीन पिलर्स खाना, नींद और ब्रह्मचर्य है। जो इंसान काफी बीमारियों से घिरा हुआ होता है या अपने जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी हर एक बीमारी और हर एक परेशानियों से दूर हो सकता है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वो सही मायने में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जिन लोगों की अचानक से मौत हो जाती है उन्हें मुक्ति हासिल नहीं होती, इसी मौत से बचने के लिए यानी मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि इंसान बिना ब्रह्मचर्य के अपनी पूरी आयु तक नहीं जी सकता। पतंजलि में कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से विल पावर हासिल होता है। अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के क्या फायदे हैं। अगर आप अपने मन, आवाज और बुद्धि को प्योर रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 3 महीने तक करते हैं तो आपको अपने मन, आवाज और बुद्धि की ताकत में बदलाव महसूस होगा। जीवन के बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ब्रह्मचर्य पालन करने से ये फायदे होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। ब्रह्मचर्य का पालन करने से यह मोराल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान किसी भी काम को पूरा कर सकता है। ब्रह्मचारी इंसान सिचुएशन में स्टेबल रहकर उसका सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से माइंड पूरी तरह से प्योर हो जाता है। अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसा कि ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के रूप में सोचना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पल अपने भगवान पर ध्यान लगाता है, वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने शरीर, इंद्रियों, मन
और बुद्धि की ताकत की जरूरत होती है और ये सिर्फ तीन तरीकों से होता है। भगवान में अपनी पूरी ध्यान लगा के ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान देने से, अपने सीमेंट को प्रोटेक्ट करने से, अपने सीमेंट को सब तरह की चीजों और इच्छाओं से दूर रखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, न ही ऐसा कोई रिश्ता रखना चाहिए जिससे उसका सीमेंट को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्मचर्य में लोगों को चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब इन सब से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर अपने सीमेंट को सेव रखकर और भगवान में ध्यान लगाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को सही नियम और सही मेथड से करते हैं तो आपको सिर्फ 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मचर्य का फायदा मिलना शुरू हो सकता है। और अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो सकता है और इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए